दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं पत्तल धोना मशीन बनकर के तैयार हो रही है। पीछे आप जो मशीन देख रहे हैं हेयर बैंड रबर बैंड मशीन है, ये बनकर के तैयार हो रही है। यहाँ पर जो लोहे का इस्तेमाल किया जाता है प्योर लोहा होता है, यहाँ पर किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है। हल्का लोहा यहाँ पर नहीं उपयोग किया जाता है। यहाँ आप देख लो यहाँ जो मटेरियल है वो रखा जाता है, और इसके अलावा ये जो आप मशीन देख रहे हैं इसके अंदर मटेरियल लोहे का वो काटा जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके मन पसंदीदा बिजनेस आइडियाज। दोस्तों इस वीडियो में आप पूरा लास्ट तक जरूर बने रहे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन, किस टाइप से आप अपने क्षेत्र से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। हर वीडियो में आपको दिखाती हूँ कि आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पर रहते हो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों आज मैं आपके लिए लिख रही हूँ वाइब्रेटिंग टेबल। इसके अंदर आप इंटरलॉक हो गया, ब्लॉक हो गया, पेवर ब्लॉक हो गया, जिग-जैग हो गया, वो बना करके तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये जो मशीन है इस मशीन के अंदर आप इंटरलॉक ब्लॉक वो बना सकते हैं। मैनुअल मशीन है, सीमेंट ईंट बना करके आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही छोटी मशीन है, महज 50-60 हज़ार के अंदर आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, अपने क्षेत्र से कर सकते हैं, कहीं आपको दूर दराज जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। महज 2 लेबर के द्वारा आप स्टार्ट कर सकते हैं। बात करते हैं मैं इसके अंदर रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल सीमेंट हो गया, डस्ट हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, जीरामिम की गिट्टी और पानी, 4 से 5 प्रकार का रॉ मटेरियल चाहिए रहता है। और इसके अंदर आप अलग अलग डिज़ाइन में, जैसे कि आप देख रहे हैं अलग अलग डिज़ाइन के अंदर आप इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो बना करके तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर आप चाहें तो मशीन के अंदर आप अलग अलग कलर लगवा सकते हैं। आपके यहाँ अगर आपको जो कलर पसंद हो वो आप इस मशीन पर कलर करवा सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो मशीनें मैन्युफैक्चरिंग होती है कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। कस्टमर जैसा बोलते हैं उस टाइप की यहाँ पर मशीनें बन करके तैयार होती है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पर मिक्सर अवेलेबल हो जाएंगे। हर एक टाइप के यहाँ पर आपको मिक्सर मिल जाएंगे, हांडा मिक्सर हुआ, या फिर आप देख लो पान मिक्सर हुआ, वो मिल जाएंगे। अलग अलग प्रकार की आपको यहाँ पर डाइयाँ मिल जाएगी, इंटरलॉक की डाई हुई, ब्लॉक की डाई हुई, पेवर ब्लॉक की डाई, वो आपको मिल जाएगी। अलग अलग टाइप की आपको मशीनें मिल जाएगी मैनुअल के अंदर। इसके अंदर आप देख लो एक बार में 4 सीमेंट ईंट बन करके तैयार होगी। जैसे कि आप ये जो मशीन देख रहे हैं हाइड्रोलिक मशीन है, ये बन करके अभी रेडी हो रही है। इस पर आप अलग अलग टाइप का कलर है वो करवा सकते हैं। ये हमारा सेकंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ पर जैसे गोकास्ट मशीन हो गई वो बन करके तैयार होती है, पीवीसी बॉल बनाने की मशीन बन करके तैयार होती है। इसके अंदर आप ब्रिक्स की अलग अलग टाइप की मशीनें बनवा सकते हैं, इंटरलॉक की मशीनें बनवा सकते हैं। इसके अंदर आप पत्तल धोना मशीन हो गई, चैनलिंग मशीनें हो गई, एडिबल कप मेकिंग मशीन हो गई, सभी यहाँ पर बन करके रेडी होती है। दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं पत्तल धोना मशीन बन करके तैयार हो रही है। पीछे आप जो मशीन देख रहे हैं हेयर बैंड रबर बैंड मशीन है, ये बन करके तैयार हो रही है। यहाँ पर जो लोहे का इस्तेमाल किया जाता है प्योर लोहा होता है, यहाँ पर किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है। हल्का लोहा यहाँ पर नहीं उपयोग किया जाता है। यहाँ आप देख लो यहाँ जो मटेरियल है वो रखा जाता है, और इसके अलावा ये जो आप मशीन देख रहे हैं इसके अंदर मटेरियल लोहे का वो काटा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गोकास्ट मशीन है, ये बन करके रेडी हो रही है। यहाँ पर अलग अलग टाइप की गोकास्ट मशीन है, जैसे छोटी हो गई, बड़ी हो गई, वो बना करके आप तैयार कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। आपके यहाँ पर किस टाइप की आपको मशीन चाहिए उसका रिक्वायरमेंट है वो आप बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये जो ब्रिक्स छोड़ेगी वो सीधा ज़मीन पर ब्रिक्स छोड़ेगी, इसके अंदर आपको कम लेबर की आवश्यकता लगेगी। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं चैनलिंग मशीन है, गांव में खेतों के अंदर आप देख लो बाउंड्री के लिए, या फिर स्कूलों में आप देख लो कॉलेज के बाहर देख लो जिन बाउंड्री के लिए जिन तारों का उपयोग किया जाता है वो इन मशीनों के द्वारा बन करके तैयार होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की मशीनें मिल जाएगी, जैसे ब्रिक्स की हुई, मैनुअल मशीन हुई, हाइड्रोलिक मशीन हुई, इंटरलॉक मशीन हो गई, वो आपको बन करके यहाँ पर तैयार मिलेगी। इसके अलावा ये जो आप मशीन देख रहे हैं हेयर बैंड रबर बैंड की आपको मशीनें मिल जाएगी, 4-in-1 मशीन मिल जाएगी। इस मशीन के द्वारा आप पैकिंग कर सकते हैं, इस मशीन के द्वारा आप जूना पैक कर सकते हैं, इस मशीन के द्वारा आप स्लीपर बना करके तैयार कर सकते हैं, पत्तल धोना बना करके तैयार कर सकते हैं। अलग अलग टाइप का आप प्रोडक्ट इसके अंदर बना करके तैयार कर सकते हैं, 4-in-1 मशीन है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एडिबल कप मेकिंग मशीन मिल जाएगी, जिसके अंदर आप चाय पियो और कप खा जाओ। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, और आज के समय में तो चल रहा है, आने वाले समय में भी इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट्स हो क्लियर करना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी बिज़नेस नया बिज़नेस आइडिया है वो आप हमें बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। डिस्प्ले में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए,
सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप कभी भी कॉल करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। घर पर महिलाएं अगर अपना लघु उद्योग करना चाहती है तो दोस्तों यहाँ पर आपको लघु उद्योग से लेकर हर एक टाइप की मशीनें यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। हर एक टाइप की यहाँ पर आपको मशीनें मिलने वाली है। हमारा काम ये है कि हम छोटे छोटे लघु उद्योग हो गए वो प्रोवाइड कराते हैं, बड़े हो गए वो प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, नई नई वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे ऐसे ही किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।